आपका साथ है सारे किसान सुबह हिट्स 91.9 रेड एफएम पर। गुड मॉर्निंग आपको बोल रहा हूँ। साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूँ। एप्पल आपको लगता होगा सिर्फ सर्दियों में आते हैं या सर्द जगह में ही लगते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट समर एप्पल ऑर्चिड यहाँ पर जम्मू में है, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मेरे साथ हैं स्वामी मधु परम हंस जी। सर, इस समर एप्पल ऑर्चिड के बारे में हमें बताइए। जी हाँ जी हाँ, सबसे पहली बात यह है कि ये जो हमारा बगीचा है ये हरमन 99 समर एप्पल गार्डन है। इसमें करीब हमने 500 बूटे लगाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गर्मी के अंदर इन द मिडिल ऑफ मई से लेकर के एंड ऑफ जून, दो महीने करीब ये फल देता है। पूरे देश में कहीं पर भी समर एप्पल्स नहीं है। हमारे देश में आमतौर पर जो सेब होते हैं कुछ वो उत्तराखंड में होते हैं और अपना कुल्लू मनाली साइड हिमाचल में होते हैं, कश्मीर में होते हैं, वो विंटर सेब हैं। तो ये नई क्वालिटी वैज्ञानिकों ने इजाद की है, वो बहुत वंडरफुल है। इसमें गर्मी के मौसम में आदमी को सेब नहीं मिलते थे क्योंकि वो स्टोरेज किए जाते थे और जो स्टोरेज किए जाते हैं उनमें रस खत्म हो जाता है। दूसरी बात ये होती थी कि इस समय वो सेब मार्केट में 350 रुपए केजी है, काफी कॉस्टली मिलते हैं। लेकिन ये जो नस्ल है इतनी जबरदस्त है, तो आप देख सकते हैं एक एक सेब करीब 350 ग्राम का है। सबसे बड़ा हमारा सेब 386 ग्राम का था। तो मुझे वैज्ञानिकों ने जब इसकी राय दी तो मैंने कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप हमें थोड़ी जमीन दें और ये समर सेब है। मैंने कहा आपने इस पर शोध किया है? बोला बिल्कुल, गर्मी में सेव हो जाएंगे कंडी एरिया में। अच्छा, पक्का सेव हो जाएंगे। मैंने कहा उनको, मैंने 1.5 मिनट के अंदर अलर्ट किया। 4-5 एकड़ जमीन, 4 बगीचे लगाए हमने जिसमें करीब करीब 500 पेड़ हैं। अच्छा। ये हमें फल टनों में देते हैं, कुंटलों में नहीं देते हैं। आप अगर देखेंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे, अंगूरों की तरह गुच्छे हैं और बड़ी हेल्थी फल है। और इनकी खूबी ये है कि ये सेब जो है ये इसकी जो नीचे वाली कलम है वो तो कश्मीर चोपर अगर उस साइड की है, शोपिया वगैरह की है, लेकिन जो ऊपर इन्होंने प्यून करके दिया हुआ है वो कोई जैसे कटहल है, अमरूद है, कुछ ऐसे फल है तो गर्मी में पनपते हैं, तो इसलिए इसकी तासीर चेंज हो गई। सर, ये किस तरह से बनाया गया है, इसके सीड्स किस तरह से बनाए गए हैं? इस तरह वैज्ञानिकों ने इसको भी क्रॉस किया संभवतः कुछ फलों से, टेक्निकल चीजों से, तो ये गर्मी में भी ये जीवित रहते हैं जी। ये सबसे बड़ा वंडर है और हरिमन 99 समर एप्पल वालों ने काफी ट्राई भी किया, भारत में काफी जगह लगाया, लेकिन जितना बेहतरीन तरीके से हमारे आश्रम में ये फल पनपे हैं मेरे विचार से कहीं नहीं हुए, क्योंकि इनको हमने लुक आफ्टर अच्छा दिया, उनकी सेवा अच्छी की। बच्चा और पेड़ दोनों एक जैसे होते हैं, बच्चे को इनिशियल स्टेज में बचपन में संभालना पड़ता है, बड़ा होकर फिर वो आपको संभालेगा। पेड़ भी ऐसे होते हैं, पहले इनको इनिशियल जब छोटे हैं इनको संभालना पड़ता है। तो यहाँ हमने इनकी बड़ी सेवा की। मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो एप्पल्स हैं ये समर में होते हैं और जिन जमीनों में हमने ये लगाए हैं उसमें बदस्तूर जैसे पहले सब्जी आदि की फसल होती थी वो भी फसल लगातार वैसे ही हो रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा ये एक एडिशनल इनकम है और इसको जरूर करें जी। गुरुजी, इस ऑर्चर्ड की जब शुरुआत हुई कौन से सन में शुरुआत हुई? हमने 2017 में प्लांट किए थे फल। मुझे वैज्ञानिकों ने कहा कि ये 3 साल में आपको फल देंगे, लेकिन हेल्दी सब चीजें इन्हें मिली, 2.25 साल बाद मुझे पेड़ों ने फल देना शुरू कर दिया। तो इस एप्पल ऑर्चर्ड को अगर कोई देखना चाहता है, कोई जाना चाहता है, क्या वो आ सकता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहेंगी? मैं तो वेलकम किया हूँ, हमारे वो गार्डन ओपन टू ऑल हमेशा है, काफी लोग इसमें विजिट करने के लिए आ रहे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं, और जो हमें इसको प्लांट करने के लिए पूछ रहे हैं कैसे पेड़ लगाना है हम उनको भी गाइडिंग देते हैं, कहाँ से पनीरी मिलेगी हम पूरा गाइड करते हैं। हमने इसके विषय में एक बुक जो है वो भी वेबसाइट पर डाला हुआ है, आप भी जरूर जाएं और वहां पर जाकर विजिट करें। सुबह हिट्स 91.9 रेड एफएम बजाते रहो।